हेलो गाइज मैं और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ट्रू थीयर है के जीरो आई एम का जो एक साढ़े चार हज़ार रुपये का आई एम है और मेरे ख्याल से पाँच हज़ार रुपये के अंदर कुछ सबसे बेस्ट आई एम्स में से एक है जो इंडिया में आप परचेस कर सकते हो वैसे तो इसको लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट लाइक है ना आठ नौ महीने हो चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हो तो लेकिन इंडिया में ये हाल ही में आया है और सच बताऊँ तो इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अनलाइक द टू थाउजेंड रुपीज मार्केट जहाँ पे आपके पास कम से कम दस अलग अलग मॉडल्स हैं बीस अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे गिन चुन के पांच ऑप्शन है एंड ये सबसे लेटेस्ट है और इससे कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस आई को कंसिडर कर रहे थे तो बिना किसी देर के लेट्स रेकेंगे वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मयंक जिनके ये एक्चुअली आई एम्स है जिन्होंने मुझे दो महीने पहले इसको भेजा था फॉर द रिव्यू लेकिन आज

एक्चुअली लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट इट्स पैकेजिंग एंड पैकेजिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉर्मली मैं इस टाइप की पैकेजिंग एक्सपेक्ट नहीं करता इस टाइप के आई से लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमे है अवेलेबल है तो अगर आप टाइप के वीब है आप टाइप के जनरेट पर्सन है तो प्लीज जाके ना ये जरूर कंसिडर करें मुझे इसका जो पाउच है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर नॉर्मली हार्ड केस प्रोवाइड करती है हार्ड केस नहीं है सॉफ्ट केस है टिप्स की सिलेक्शन भी ठीक ठाक साइज के कुछ लार्ज बोर्ड टिप्स है कुछ स्मॉल बोर्ड टिप्स है और फोम टिप भी अवेलेबल है एक साइज के एक दो साइज के और ज्यादा बिकॉज जो बड़ा जो फोम टिप दी है वो काफी बड़े साइज की मेरे घर में तो फिट नहीं होती आई एम्स भी काफी अच्छी तरह पैक किए गए तो हम लोग आई एम्स की ही बात करते हैं जो आई एम्स है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है और मेरे ख्याल से दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप अलग अलग डायरेक्शन पे इसको मूव करते तो अलग अलग

फाइव मिली mm के लिए जो टिप्स अवेलेबल है मार्केट वो या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत ही कम अवेलेबल है बाकी एक बार फिट होने के बाद ये बहुत ज्यादा बुरे नहीं है लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा दिस इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल आईएम जो मैंने आज तक यूज किए हैं और ऑब्वियसली इतने ज्यादा मोटे आई एम्स .E होने की वजह से मैं इनको पहन के सो नहीं सकता इन आई .E के साथ मुझे डर लगता है बिकॉज अगर मैं गलती से इनकी तरफ करके सो गया तो ये मेरे दिमाग में छेद ना कर दे सो so, केबल की बात करें सी इसकी इस केबल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी इस केबल के हरे में बुरी चीज़ भी है अच्छी चीज ये किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है आ, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है बहुत ज़्यादा मेमोरी प्रोन भी नहीं है मतलब इसके किंग्स नहीं पड़ते वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती दूसरी तरफ बिकॉज ये थोड़ी बहुत पतली है और ज़्यादा ही फ्लैक्सीबल है ये टेंगल होने के चांसेस है माइक्रोफोनिक्स नहीं है तो माइक्रोफोनिक्स है जो शर्ट वगैरह की आवाज़ आती है वो यहाँ पे बहुत ही कम है जो अच्छी बात है चिन स्लाइडर भी अच्छा है एंड माइक्रोफोन नहीं है तो अगर आपको माइक चाहिए था तो आपको अलग से डेडिकेटेड माइक वाली केबल ख़रीदनी पड़ेगी या फिर डेडिकेटेड माइक यूज़ करना पड़ेगा अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो लेकिन इन सब को साइड में रखते हैं अब बात करते हैं इसके साउंड प्रोफाइल की और इसके साउंड सिग्नेचर वगैरह की तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस आई को ट्यून किया है क्रिनिकल ने और उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की ट्यूनिंग इस आई के लिए चूज की है और ये है हामन टारगेट हामन इन ईयर टारगेट टू बी स्पेसिफिक तो हामन आप बेसिकली समझ सकते हैं एक टाइप की गाइडलाइन है जो रिसर्च वगैरह करने के बाद लाइक बनाई गई है हामन जो कंपनी है जो ऑडियो रिलेटेड रिसर्च वगैरह करती है स्पीकर्स वगैरह रिसर्च करती है एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उन पर उन्होंने रिसर्च की थी जो ज़्यादातर एक मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को पसंद आ सकती है एंड ये आई उसी टारगेट को फॉलो करता है तो बेसिक प्रोफाइल ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट का बेस होता है काफ़ी अच्छे खासे अब अमाउंट की मिट्स होती है अपर मिट्स होती है स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हाईज नहीं होती लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोअर मिट्स जो एरिया होता है या फिर जो एक साउंड को नेचुरलनेस प्रोवाइड करता है ना वहाँ पे ये थोड़ा सा कम कर देता है ताकि वो हल्का सा वी वी शेप सिग्नेचर को मेंटेन करके रखा जा सके अगर आपको नहीं पता तो बेस बेसिकली हम लोग जनरली दो टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक को कहते हैं मिड बेस एक को कहते हैं सब बेस सब बेस वो होता है जिसको वो रंबल कहते हैं जो आपको फील ज़्यादा होती है सुनाई कम देती है मिड बेस थोड़ा ज्यादा सुनाई देने वाला बेस है जो पंची बेस जिसको कहते हैं ना जो आपके लाइक वो ट्रैक्टर वो पे उपे उपे जो लगा होता है स्पीकर या फिर वो डीजे वाले जो लगाते हैं अपने शादी वगैरह पे तो उस टाइप की बेस की अमाउंट जाता है लेकिन वो थिएटर वाले जो हिलाने वाली बेस है यहाँ पे वो कम है फॉर एक्जाम्पल एक बहुत ही पसंदीदा एल्बम इलेक्ट्रॉनिक एल्बम है मेरा वो है ब्रॉन्सन का ब्रॉनसन डिस्टॉर्ड बेस के साथ बहुत ज्यादा बेस हैवी ट्रैक्स है कुछ सॉन्ग्स बहुत ज्यादा लो तक जा सकते हैं एक्सटेंड होते हैं आपको इम्पैक्ट जरूर सुनाई देता है लेकिन वो जो जो आपका सिर हिला वैसी वाली बेस थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली बाकी आप इक्यू करके थोड़ा सा लाइक है ना फिफ्टी हर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा पुश करके सिक्सटी हर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा इक्यू अप करके इससे बेस अच्छी खासी निकाल सकते हैं बेस स्पीड वगैरह अच्छी है बिकॉज वो डेडिकेटेड ड्राइवर है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल कर सकता है एंड बेस कभी भी मिड्स को अफेक्ट नहीं करती है मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी इसकी किसी ना किसी तरीके से ये इसकी जो बेस है ना वो अलग ही सुनाई देती है थोड़ा सा जरूर सेपरेशन है बेस में जो इस प्राइस रेंज के आई में जनरली नहीं मिलता तो अगली मिड्स की बात करें यहां पे है इस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक गाना लेते हैं चाप तिलक जो कोक स्टूडियो का बहुत फेमस गाना है बहुत प्यारा गाना है प्लीज एक बार जरूर सुनना एंड जब भी ये गाना मैं इस पर सुनता ना ऐसा लगता है वो लोग इस तरीके से गा रहे हैं इस तरीके से वो बोल रहे हैं बिकॉज वो जो फ्रीकवेंसीज है वो थोड़ी ज्यादा ऊपर है जनरली जब ऐसी ट्यूनिंग होती है ना तो कुछ कुछ सिंगर्स की आवाज़ पे जरूर इफेक्ट पड़ता है वो जो बीच वाला सेक्शन है जिसको हम लोग लोअर मिड्स के नाम से जानते हैं 300 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2000 तक चला जाता है या फिर 1500 तक चला जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड मिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी कमी ना आपके इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा खाली साउंड करा सकती वो वहाँ पे मुझे ट्यूनिंग लगता है कि मिड्स की यहाँ पे जरूर ठीक हो सकती एंड पर्सनली मैं इसको बिना एक करके सुनना नहीं पसंद करता एंड यहाँ पे वो बेस के क्लीन रखने के चक्कर में थोड़ा सा मिट्ट के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया सो so, अब बात करते हैं हाइज की एंड हाईज में ये बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता सिंपल फॉर एग्जाम्पल दर इज लैक ऑफ क्लैरिटी है लैक ऑफ क्लैरिटी इन द सेंस की टेक्निकली ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता ट्रैवल वाले एरिया में मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ज्यादा सिबिलेंस नहीं है सिबिलेंस मतलब वो जो की आवाज़ होती है या की आवाज होती है ये जो आवाजें होती है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है इस आई में वो सब इतना नहीं है अगर टेक्निकलिटीज की बात करें यहाँ पे हम लोग साउंड स्टेज की बात करें इमेजिंग की बात करें ये जनरली अच्छा परफॉर्म करता है stage, जो बिल्कुल आपके सिर के अंदर लाइक like, आंख के अंदर आंख के, के पीछे वाली साउंड स्टेज नहीं है सेकंडली रेजोल्यूशन की बात करें डिटेल रिट्रीवर की बात करें यहाँ पे थोड़ी सी कमी जरूर है डिटेल्स डेफिनेटली है मिड्स में ठीक ठाक डिटेल है बेस में डिटेल है लेकिन जैसे मैंने बताया हाईज में डिटेल्स की कमी है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा तेज है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है

सात आठ हज़ार रुपए के गेमिंग हेडफोन से अच्छा परफॉर्म करते हैं मैं बात कर रहा हूँ लॉजिटिक के जी प्रो एक्स की मैंने ट्राई चाहिए मैंने एपिक्स ए ट्राई की जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो एक्स्ट्रा डेप्थ की लेयरिंग है मतलब सेपरेशन है वो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और है, हेडफोन से मुझे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिली लेकिन दिस इज़ ऑल विद EQ. क्यू उससे आपको ज़्यादा अच्छी साउंड मिलेगी ज़रूर एक चीज़ मैं बताऊंगा ई क्यू ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं कंसिडर लाइक हैंडल कर पाता For example, जो KZ है फॉर एक्जाम्पल जो के जी पी आर वन है बिकॉज वो प्लेनार आई एम एम प्लेन उसका जो ड्राइवर टेक्नोलॉजी है वो प्लेनार बेस्ड है तो उसकी वजह से आपको लाइक like, उस पर बीस डी बी का भी ई क्यू लगा दो ना बूस्ट दे दो बेस का या फिर ट्रेबल का वो उसको हैंडल कर लेता है बिना डिस्ट्रॉक्शन की साउंड की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा चाहे बना सस्ता सोर्स ले या फिर महंगा सोर्स लेते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक स्केलिंग एबिलिटीज़ नहीं है यहाँ कि मतलब महंगे डैक पे एम्पलीफायर तो कुछ और ही बन जाएगा वैसा नहीं है स्केलिंग नहीं है लेकिन जो एम्पलीफिकेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल फोन से डायरेक्टली प्ले करने पर मैं इजिली 80 परसेंट वॉल्यूम पे जा रहा था जो नॉर्मली मैं किसी आई आईएम के साथ चालीस तक ही रहता हूँ तो कंक्लूजन की बात करते हैं क्या ये आपको आई एम कंसिडर करना चाहिए अगर आप है ना एक दो हज़ार रुपये का आई एम यूज़ कर रहे थे लाइक सेवन हर्ट सेवन सैल नोट जीरो या फिर मोन ड्रॉप चू या फिर ऐसा कोई आई एम यूज़ कर रहे थे सी आर ए टाइप का तो क्या आपको इस पर अपग्रेड करना चाहिए वेल द आंसर इज यस टेक्निकली दिस इज डेफिनेटली सुपीरियर यहाँ पर बेटर साउंड स्टेज आपको मिलती है बेटर इमेजिंग कैपेबिलिटीज मिलती है ज़्यादा आपको टेक्निकली uh, जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा सुपीरियर मिलती है ट्यूनिंग का मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज ट्यूनिंग मुझे वॉनर की भी अच्छी लगी थी मुझे सेवन हर्ड्स वाली ट्यूनिंग भी ठीक ठाक लगी